मुझे कुछ जरूरी काम है। आई हैव सम अर्जेंट वर्क। आई हैव सम अर्जेंट वर्क। मैं इसे संभाल लूँगा। आई विल हैंडल इट। आई विल हैंडल इट। यही तो मेरी खासियत है। दिस इज माई स्पेशलिटी। दिस इज माई स्पेशलिटी। इतना ही कहना काफ़ी है। इट इज सफिशियंट टू से। इट इज सफिशियंट टू से। आपके शहर का मौसम कैसा है? हाउ इज द वेदर ऑफ योर सिटी। हाउ इज द वेदर ऑफ योर सिटी। यह एक अवैध काम है। दिस इज एन इलीगल एक्ट। दिस इज एन इलीगल एक्ट। कम से कम मुझे बता तो सकते थे। एट लीस्ट यू कुड टेल मी। एट लीस्ट यू कुड टेल मी। मैं इन दिनों इंग्लिश सीख रहा हूँ। आई एम लर्निंग इंग्लिश दिस डेज। आई एम लर्निंग इंग्लिश दिस डेज। उसने मुझे फोन भी नहीं किया। ही डिडोंट एवन कॉल मी। ही डिडोंट एवन कॉल मी। क्या तुम्हें पक्का पता है? आर यू श्योर अबाउट दिस। आर यू श्योर अबाउट दिस। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू विथ इट। आई हैव नथिंग टू डू विथ इट। उसे धमकाने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू थ्रेटन हिम। देयर इज नो नीड टू थ्रेटन हिम। उसने मुझे निजी तौर पर बुलाया। ही कॉल्ड मी प्राइवेटली। ही कॉल्ड मी प्राइवेटली। आपको धैर्य रखना चाहिए। You should have patience. You should have patience. वह अभी बाहर गया। He just went out. He just went out. वह मुझे बहुत परेशान करता था। He used to bother me a lot. He used to bother me a lot. मैं उसके इरादे से वाकिफ था। I was aware of his intention. I was aware of his intention. आपको किस तरह की फिल्में पसंद है? What type of movies do you like? What type of movies do you like? मुझे मेरे घर छोड़ दो। Drop me at my house. Drop me at my house. तुम्हें यह कहानी किसने सुनाई? Who told you that story? Who told you that story? इसमें कोई संदेह नहीं है। There is not any doubt in this. There is not any doubt in this. अब मुझे फोन मत करना। Don't call me anymore. Don't call me anymore. तुमने यह कैसे किया? How did you do it? How did you do it? वही हुआ जिसका डर था। दैट्स वॉट आई वॉज अफ्रेड ऑफ। दैट्स वॉट आई वॉज अफ्रेड ऑफ। हमने कुछ गलत नहीं किया। वी हैवेंट डन एनीथिंग रॉन्ग। वी हैवेंट डन एनीथिंग रॉन्ग। मैं यही कहना चाह रहा था। दैट्स वॉट आई वॉन्टेड टू से। दैट्स वॉट आई वॉन्टेड टू से। मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा। आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू यू। आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू यू। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। लेट मी नो इफ़ यू नीड एनीथिंग। लेट मी नो इफ़ यू नीड एनीथिंग। तुम कितना कमाते हो? हाउ मच डू यू अर्न। हाउ मच डू यू अर्न। यह सब मेरे बस का नहीं है। ऑल दिस इज बियॉन्ड ऑफ माई कंट्रोल। ऑल दिस इज बियॉन्ड ऑफ माई कंट्रोल। मैंने बुरी आदतें छोड़ दी है। आई हैव गिवन अप बैड हैबिट्स। आई हैव गिवन अप बैड हैबिट्स। मुझे आपकी बात अच्छी लगी। आई फाउंड योर पॉइंट इंटरेस्टिंग। आई फाउंड योर पॉइंट इंटरेस्टिंग। यह बहुत ही काम का था।
He was very useful. मैं घर पहुँचने ही वाला हूँ. I am about to reach home. वह बस रोती रहती है. She just keeps on crying. तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? How is your study going on? इसे छूने की सोचना भी मत. Don't even think of touching this. मैं इतना ही बता सकता हूँ. This is all I can say. उसने मुझे यह बताया. He told me this. क्या कोई और है? Is there any more? कोई और नहीं है. There is no any more. इसलिए मैं आपको आमंत्रित नहीं किया. That's why I didn't invite you. तब भी मैं वहाँ जाऊँगा. Even then I will go there. बहुत ही ध्यान से सुनो. Listen very carefully. पहले उसे अपनी बात करने दो. Let him say his words first. मैंने यह सब सोच समझ कर किया. I have done this all thoughtfully. छत पर मत बैठो. Don't sit on the floor. मुझे सुबह जल्दी उठा देना. Wake up me early in the morning. वह कुछ और बोलना चाहती है. She wants to speak something else. आपको कितने बजे निकलना है? What time are you leaving? यह मेरे हाल की तस्वीरें हैं. These are my recent photos. वह मुझे जिंदा ही खा जाएगा. He will eat me alive. उसे देर हो रही है. He is getting late. मैं घर पहुँचने ही वाला हूँ. I am about to reach home. मैंने उन्हें एक शब्द भी नहीं बोला. I have not said a single word to them. तुम इतना गुस्सा क्यों हो? Why are you so angry? मुझे उन पर तरस आता है. I feel pity on them. तुमने बेहतरीन काम किया है. You have done a great job. मुझे आशा है कि आप सुरक्षित हैं. I hope you are safe.